दोस्तों दूसरा और तीसरा पार्सल जा रहा है, कस्टमर आ रहा है पार्सल लेने के लिए, स्क्रीन शॉट लगा 43 रुपये मिले। अब वो मिला ओखला के लिए पार्सल, स्क्रीन शॉट क्या लगाऊंगा ठीक है। जो पार्सल होता है यह 236 रुपये। हाँ, घर का जो रूट है रूट में बची घर का। दोस्तों हमारा पहला पार्सल होता है ठीक है, और 113 रुपये का अमाउंट था, 6.3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, कुछ नहीं एक ट्यूब था, इसके स्क्रीन शॉट लगा दूंगा। तो हाय दोस्तों, मैं विकास आपके स्वागत करता हूँ। आज है दिन हमारा शनिवार का और टाइम हो रहा है आपका 1:45। लेट बजता है शनिवार में, क्या करें, अब जो सब बजा चल रहा निकले यहाँ से यार, अब यहाँ से निकल चुके हैं, पार्सल हो चुका है और 90 रुपये मिल चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या मैं कब मिलता है। तकोला मोल द्वारका मोल से खड़ा हूँ मैं, उसको लगे मिलेगा कुछ तो कमाएंगे आज, शनिवार है तो क्या हो गया, जितनी किस्मत में होती है उतनी मिलेगी नहीं मिलेगी। A few moments later. तो दोस्तों मेरा दूसरा पार्सल भी डन हो चुका है और तीसरा पार्सल प्रिंट होने जा रहा है, कस्टमर आ रहा है पार्सल लेने के लिए। मुझे मिला था मोड़ से ही 303 का ठीक है, और एक पेन ड्राइव था, स्क्रीन शॉट लगा और मुझे उसमें 243 रुपये मिले। अब उबर का देखते हैं, मुझे मीटर का था, वहीं से ड्रॉप करने के बाद मुझे एक पार्सल भी मिला ओखला के लिए, 12 किलोमीटर का था, स्क्रीन शॉट लगा दूंगा पार्सल का। वैसे पार्सल खड़े थे मुझे 12 किलोमीटर का 126 रुपये मिला है ठीक है। अब वेट करते हैं कि हमें किसमें क्या मिलता है, बोटो मिलता है, उबर मिलता है, क्या मिलता है, तो वेट करते हैं, जो अपडेट होता है मैं फिर आपको बताता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फरीदाबाद से इसके लिए पार्सल है, ये पार्सल है और 7.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 1.2 किलोमीटर का अमाउंट है ठीक है। उसके बाद A few moments later. हमारा जो मैंने जो ओखला से पार्सल लिया था और वो फरीदाबाद सेक्टर 38 में वो लिया, उसका अमाउंट मुझे मिला 110 रुपये। कस्टमर कह रहा था कि भाई ग्रेटर कैलाश से आना है तो चले जाओगे, मैं कैसे चले जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा, रुके मगर जो पोर्टर दिखा रहा आप उतना दे देना। बोला कि वेट करो, वेट करा 10-15 मिनट, वो बंदा आया ही नहीं ना, फ़ोन उठा रहा तो मैं भी निकल गया। फिर मुझे एक ऑर्डर भेजा ओखला के लिए फिर से, 145 का कुछ अमाउंट था और मैं 1.3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वहाँ पहुँच गया तो ये पोर्टर वाला एक पहले से बैठा हुआ, मैंने भी कॉल किया, कह रहा भाई ये दोनों क्यों आए हो, मगर अपने मैं अभी आपसे बात हुई ना, कह रहा हाँ उससे भी बात हुई, उनसे भी बात हुई थी पहले, वो आके बैठे हुए थे, मगर ये क्या सीन है, डबल डबल कर रहे हो ऑर्डर, एक जगह राइडर दो बताओ। तो कोई नहीं, उन्होंने मेरा कैंसिल कर दिया क्योंकि उनके पहला उनका भी बनता है क्योंकि वो सबसे पहले आए थे। तो उनसे वार्तालाप कर ही रहा था कि मुझे एक फिर बसंत कुंज के लिए पार्सल बचा ठीक है, और 295 कुछ समथिंग कह रहा हूँ था ठीक है, स्क्रीन शॉट लगा दूंगा। और ये है पार्सल ठीक है, इस पार्सल को लेके जा रहा है बसंत कुंज और टाइम हो रहा अभी 5:30। मैं खा ही रहा था, खाते खाते बजा तो मैं चलो ले लेते हैं, फिर इसके बाद रास्ते में खा लेंगे, अगर निकल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलो मैं पहले खाना खाता हूँ फिर इसके बाद आगे आपको ड्रॉप करके खाता हूँ मुझे कितना मिला। A few moments later. हमारा जो पार्सल होता है ये बसंत कुंज वाला मॉल वाला था वो डन होता है ठीक है, और मुझे मिला है 236 रुपये, 295 वैसे। तो अब यहाँ से घर का जो रूट है वो 25 किलोमीटर है और टाइम हो गया है 7:15। घर का रूट डाला तो दिखा रहा 8:30 बजे तक, देखता हूँ आगे अगर रूट में बजी घर का तो उठाऊँगा, खाली तो देखो ना जाओ तो अच्छा है, बाकी देखते हैं किस्मत कहाँ लेके जाती है, वेट करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और जैसे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको टोटली इनकम बताना चाहूँगा और कितनी मैंने बाइक चलाई है, कितने मेरा पेट्रोल लगा है, कितने मैंने पार्सल डिलीवरी की है, सारी डिटेल बताऊँगा क्योंकि मैं वहाँ से 25 किलोमीटर खाली आया हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं मिला, सीधा 25 किलोमीटर खाली आया हूँ।
पोर्टर में जो मैंने किए हैं टोटल 4 पार्सल डिलीवरी, ठीक है, जिसमें जो अमाउंट हो रहा है 679 का। और ऊबर में मैंने एक किया है राइड, जिसमें मुझे मिला एक पार्सल किया जिसमें मुझे मिला 126, ठीक है। तो और एक जो लास्ट वाले में जो द्वारका मोड़ से मैंने लिया था, उसमें ड्रॉप लोकेशन चेंज हुआ था तो उसका मैंने 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया था। तो टोटली जो अमाउंट बैठता है पोर्टर का 679, ऊबर का 126 और 100 रुपये एक्स्ट्रा, तो टोटल अमाउंट होता है हमारा 905। तो 905 में हमने कितने बजे तक गाड़ी चलाई, कितने घंटे काम किए वो बताना चाहूँगा। जो पहला मैंने पार्सल लिया था वो लिया है मैंने 1:30 बजे, तो 1:30 से अराउंड 8 बजे तक काम किया, ठीक है। तो घंटे हो गए हमारे, तो 8 घंटे मान लीजिए, वैसे तो 7.5 घंटे होते हैं बट 8 घंटे मान के चलते हैं, और 8 घंटे में हमने जो कमाए हैं पूरे 905 रुपये। बात करें कि पेट्रोल कितना लगा है, तो अराउंड 99.5 कुछ किलोमीटर हमारी गाड़ी चली, जिसमें हम माइनस करेंगे सीधा तो 100 रुपया, तो 100 रुपये तो लीटर है, 50 की एवरेज चल रही है तो वही है। और जो हमारा बचता है अब पेट्रोल निकाल के, वो बचता है हमारा 705 रुपया, 8 घंटे की इनकम और 705 रुपये। तो यही आज की अर्निंग इनकम। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसी पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।